सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बहराइच में दबंगों द्वारा हैवानियत की हद पार किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा तीन युवकों का अपहरण कर उन्हें तालिबानी सजा दी गई है। कहें तो थर्ड डिग्री से भी बदतर तरीके से पिटाई की है। वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे कांप जाएंगे और जमीर हिल जाएगा। जी हाँ, 6 घंटे तक बंधक बनाकर निर्मम पिटाई करते रहे। यही नहीं, उन लोगों के मुंह में दबंगों द्वारा पेशाब भी कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तीनों पीड़ितों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा ऐसा किया है, 5 लाख रुपया लोग लिए हैं, तो तुम लोग इधर आए हो, मेरे को 10,000 खिलाए हो, तो वीडियो मेरा बनाए नंगे करके, मेरे तीनों साथी लोगों को बहुत लोग मारे, में बहुत हाथ पांव जोड़ा, बोले तुम्हें को रात में 9 बजे लेके जाएगा। कारपेट को उधर बैठते हुए दारू पीते हुए ये लोग भाग गए। अभी उधर दारू गिलास सब कुछ चिकना मटन के साथ में दारू पी पी खा खा के मारे हैं लोगों को, बोले मार के बाहर देगा। पेशाब भी वो तीनों जिन ने किया, उसके साथी ने किया, दरबारे जन ले चुरुआ बना के, और उसने घर के अंदर बंद करके रखे थे मेरे लोग को। 7 बजे जब मेरे पुलिस को और जानकारी हुआ तब मेरे लोग को बचा के लाया। अजय जी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अब हमको ननके ओमकार और टिंकू तिवारी तीनों पकड़ ले गए, हमारे 2 साथी पकड़ ले गए। हम लोग मेला जा रहे थे, उनको मारे पीटे, वो सब बेहोश हो गए, हम भी बेहोश हो गए, हमारे मुँह में मुँहते, फिर हम लोगों का गला काट के गोलवा घाट फेंकने जा रहे थे। कैसे? अब पुलिस पहुंची साहब, किसी ने फोन किया, सुबह 10 बजे से मार रहे थे और शाम तक मारे हैं, 6 बजे तक पुलिस पहुंची किसी तरीके से, तो हमको बचे हैं कि तुम मार देते साहब। एक बार हमारे लड़की को जो है जबरदस्ती शादी की, हमको सामने लेके आए, वीडियो कैमरा में लिए, दबंगई से शादी कर ले गए। 14 साल की लड़की थी, एक बार ये घटना की, उसके बाद साहब दोबारा अब ये घटना मेरे साथ की, जान से मरवा देने। कौन से? साहब ओमकार और ननके और टिंकू तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? ओमकार कुर्बेनी ग्राम, कुर्बेनी जिला श्रावस्ती रहने वाले हैं, ननके मिश्रा वो दोनों भाई हैं। ये ओमकार मिश्रा मर्डर भी किए हैं, उनके ऊपर आजीवन कारावास है, फाइल दबी हुई है। और वो आए थे टिंकू तिवारी, ये शांति बदमाश है, घर के अंदर स्वयं मारे साहब तीन लोगों को, मुँह में भी वही मुँह नंगा कर दिए हैं, वहाँ वीडियो भी बनाए हैं फर्जी की। हम लोग अपहरण करने आए थे, बोला बदमाश बन के आए थे मारने के लिए, सारा सिस्टम किया था। क्या मामला है? मारपीट हुआ है तो तीन लोग आगे, राकेश त्रिपाठी, अजय त्रिपाठी, लतीफ मुन्नन और राकेश कुमार, तीन लोग हैं, दोनों ट्रीटमेंट हो गया, भर्ती करा दिए। कहाँ से आए लोग? ये देहात को, एक लोग दरगाह शरीफ के हैं, तीनों लोग वहीं के हैं, एक घसियारीपुरा के, 2 लोग दरगाह शरीफ। ट्रीटमेंट सब हो गया है, अभी एक्सले आ गए थे इतने लोग, तो इस वजह से थोड़ा उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो सीरियस थे नहीं, इन लोगों को एक्सीडेंटल लोगों को भर्ती करा के अब उनका काम, उन्हीं का काम हो जाएगा। अरे उनके कहने से मान लेंगे, इलाज नहीं हुआ, दवा लगवा दी, उनका थोड़ी देर लेटे रहे। ये कोतवाली देहात थाना अंतर्गत एक अजय तिवारी ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिस मामले में गंभीर मारपीट का प्रकरण सामने आया है और उन्हीं धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, विवेचना की जा रही है, जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी होगा उनके विरुद्ध तथ्य पाए जाने पर निश्चित कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।